بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का एक खूबसूरत वाक्या पढ़ेंगे। मोहतरम दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बहुत से तारीखदानों ने लिखा है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर वली अल्लाह के दर्जे पर फाइज थे, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक बात सच है कि उनके वाकयात और उनके कारनामे ऐसे तारीख के सीनों में दफन हैं कि जिन्हें पढ़कर इंसान को रश्क आने लगता है। तो पेशे खिदमत है उन्हीं का एक खूबसूरत वाकया। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास एक जरूरतमंद आया और कहने लगा, ए शहनशाह आलम, मैं नहायत गरीब इंसान हूं, मुझे अपनी दो बेटियों की शादी करनी है, आप मेरी मदद फरमाइए। शहनशाह हिंद ने जवाब दिया, अच्छा तुम कल आ जाना, हमसे जो हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। जरूरतमंद चला गया। उसी शब शहनशाह औरंगजेब ने लिबास बदला, भेष बदला और निकल खड़े हुए। रास्ते में देखा कि एक मुसाफिर सामान लिए खड़ा है और किसी मेहनतकश के इंतजार में है। शहनशाह हिंद एक मेहनतकश के रूप में थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुसाफर का सामान अपने सर और पीठ पर लाद लिया और जहां मुसाफर ने जाना था वहां पहुंचा दिया। मजदूरी दो पैसे मिली। बादशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर अपने महल आए, निहायत इत्मीनान से सो गए। सुबह हुई, हाजतमंद पहुंच गया। शहनशाह हिंद ने फरमाया, ये मेरी मेहनत की कमाई है जो बिल्कुल हलाल है, दो पैसे हैं ये ले जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। वो हाजतमंद तो बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि दो पैसे, इन दो पैसों से बेटियों की शादी कैसे करूंगा। मायूस होकर चला गया और साथ ही साथ में ये सोच रहा था कि शायद बादशाह ने मेरे साथ मजाक किया है। वो हाजतमंद अपने इलाके की तरफ जा रहा था। रास्ते में देखा कि एक जगह अनार बिक रहे थे। उसने उन दो पैसों के अनार ले लिए। उसके इलाके में अनार नहीं पाए जाते थे। अब वो सफर करते करते अपने इलाके में पहुंच गया। दूर एक इलाके में एक रईस रहता था। उस रईस की बेटी सख्त बीमार थी, सारे इलाज नाकाम हुए थे। आखिर एक हकीम ने फरमाया कि इस मरीजा को अब अनार के रस की जरूरत है, अनार के रस से ही इसको आराम आएगा। अनार तो उस इलाके में थे नहीं। रईस ने अपने इलाके में ऐलान करा दिया कि जो आदमी जल्द से जल्द अनार फरहम करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये बात उस हाजतमंद तक पहुंची जिसने शहनशाह औरंगजेब के हलाल कमाई के दो पैसों से अनार खरीदे थे। वो अनार फौरन हाथ में हिफाजत से लेकर रईस के घर पहुंच गया। अनार पेश कर दिए। हकीम साहब ने रस निकाला और रईस की बेटी को बुला दिया। अल्लाह की शान, अनार का रस पीते ही वो लड़की बिल्कुल सेहतियाब हो गई। रईस ने अनार लाने वाले से कहा, बोलो क्या मांगते हो। हाजतमंद ने अपनी दो बेटियों की शादी का जिक्र किया। रईस ने दोनों की शादी करा दी। मेरे अजीज दोस्तों, कि आपने गौर किया कि दो पैसों में कैसी बरकत हुई। याद रखिए, यह बरकत हलाल की कमाई के दो पैसों की थी। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि रिज़्क हलाल ऐन इबादत है और इबादत इंसान को अल्लाह से जोड़ देती है। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मेहनती अल्लाह का दोस्त है। तो जो शख्स
अल्लाह का दोस्त हो तो अल्लाह पाक अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला किस तरह छोड़ सकता है। अगर हम 20-25 साल पीछे जाकर देखें तो उस वक्त कमाई में बरकत हुआ करती थी। मजदूर की दिन की मजदूरी 20 रुपए होती थी, लेकिन उससे भी घर का निजाम चलता था। घर की सभी जरूरतें पूरी होती थी। क्यों? क्योंकि हलाल की कमाई होती थी। आज लोगों की तनख्वाहें 1-1 लाख से ऊपर हैं, मगर घर का निजाम नहीं चलता। परेशानियां ही परेशानियां हैं, रोजी में बरकत नहीं रही। क्यों? क्योंकि कमाई में मिलावट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।